हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और एडवांस फिजिक्स में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, लेकिन जितने भी मॉडल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद बोहर एटॉमिक थ्योरी भी हमने पढ़ी, उसके बाद हमने सोमरफील्ड की थ्योरी भी पढ़ी, जो उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। तो हमने सोमरफील्ड थ्योरी भी पढ़ी जो एटम के लिए बनी थी। फिर उसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो में सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात की थी, तो उस एटॉमिक मॉडल में सोमरफील्ड ने ये शो ऑफ करने की कोशिश की थी कि कैसे फाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। जैसे क्योंकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी फेल ही इस बात पे हुई थी, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता था वो बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद सोमरफील्ड ने एक ट्राई किया कि कैसे फाइन स्पेक्ट्रम किसी स्पेक्ट्रल लाइन का जनरेट होता है। उन्होंने जैसे एक ट्राई किया था, मैंने एच अल्फा लाइन में दिखाने की कोशिश की थी, अब आपको पता होगा अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा। फिर लेकिन सोमरफील्ड ने कोशिश की थी, मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल में सोमरफील्ड ने करेक्ट जो फाइन स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है वो करेक्ट नहीं बता पाए थे। तो ये कहा जाएगा कि सोमरफील्ड की थ्योरी भी फेल हो गई थी। बट जब मैं ड्रॉबैक्स की बात करूंगा सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम की, तो मैं बोहर को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि बोहर और सोमरफील्ड एक ही थ्योरी पे बात कर रहे थे कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, दोनों यही बात कह रहे थे। बट सोमरफील्ड ने कुछ अलग बात कही, उन्होंने बोला सर्कुलर पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता ही है न्यूक्लियस का, बट वो अलग अलग स्टेट में इलेप्टिकल पाथ में भी न्यूक्लियस का चक्कर लगाता, उन्होंने इलेप्टिकल पाथ और ऐड कर दिया था। तो हम सोमरफील्ड थ्योरी को ये भी कहेंगे बोहर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम, यानी दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया। अब जब ये दोनों थ्योरी इंक्लूड हुई तो उस थ्योरी ऑफ एटम के क्या ड्रॉबैक्स थे, तो मैंने उसको टाइटल दिया है लिमिटेशन ऑफ बोहर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम। तो यानी सोमरफील्ड और बोहर दोनों मिलके भी कई सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसे मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा भी है, एक एक करके पढ़ देता हूं। पहला पॉइंट था जो बोहर और सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पहला पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकाला गया तो स्पेक्ट्रम में एक साइड से स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही थी दूसरी साइड की तरफ, है ना। यानी अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जैसे जैसे मूव करते थे स्पेक्ट्रम में, जब भी हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करते थे तो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती जाती थी। तो उस बात को ना तो बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर पाया, ना ही सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम उस बात को एक्सप्लेन कर पाई। तो ये भी एक लिमिटेशन है। सेकंड है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस यानी हीलियम का आयन और लिथियम का 2+ यानी लिथियम का ऐसा एटम कि लिथियम के हम दो इलेक्ट्रॉन अलग करते तो लिथियम के एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यानी जो भी ये थ्योरी थी, चाहे वो बोहर की थ्योरी हो चाहे सोमरफील्ड की थ्योरी हो, वो दोनों ही सिर्फ ऐसे एटम की बात को समझा पाए जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। यानी अगर ऐसा एटम जिसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उस एटम के स्ट्रक्चर को वो बता भी नहीं पाया कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे, ऐसे कोई उन्होंने बात नहीं की, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था लिमिटेशन का कि कहां पे बोहर और सोमरफील्ड की थ्योरी फेल हो गई, दे इंट्रोड्यूस द सिलेक्शन रूल डेल्टा के प्लस माइनस 1 विच हैज नो प्रूफ। एक्चुअल में जब
सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, अब मुझे नहीं पता शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो फिफ्थ वीडियो होगा। तो उसमें जब भी मैंने फाइन स्पेक्ट्रम को शो करा था तो कुछ सिलेक्शन रूल लिए थे, तो वो सिलेक्शन रूल मैंने लिखा है डेल्टा के इक्वल टू प्लस माइनस वन, इनके बेसिस पे उन्होंने फाइन स्पेक्ट्रम को, सोमरफील्ड ने फाइन स्पेक्ट्रम को दिखाया था, बट उन्होंने ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि ये कैसे डेल्टा के इक्वल टू प्लस माइनस वन ये इक्वेशन कैसे आई फिजिक्स में। उन्होंने सिर्फ ये एक आइडिया दे दिया और सिलेक्शन रूल लिख दिया, तो इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए ये भी बात उनकी फेल ही कही गई, क्योंकि प्रूफ अगर देते तो हम कहते हैं हाँ उन्होंने इसका प्रूफ दिया इसलिए उन्होंने ये बात कही, बट इन्होंने तो ये डायरेक्टली बात कह दी, इसका कोई प्रूफ भी नहीं दिया, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम की। अच्छा फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा जो फोर्थ लिमिटेशन है बोहर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ एटम की वो है द थ्योरी दिस थ्योरी, ठीक है, दिस थ्योरी did not throw any light on distribution and arrangement of electron in an atom। यानी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, दोनों ही मॉडल में ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर किस तरीके से होता है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है। फिफ्थ जो इनकी लिमिटेशन थी, does not explain fine spectrum of H atom correctly, क्योंकि सोमरफील्ड करेक्टली नहीं बताता है, फाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने शो करने की कोशिश की बट करेक्टली शो नहीं करता है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन ठीक है। सिक्स है डज नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, और सोमरफील्ड और बोहर दोनों ही इस बात को समझाने में क्या कहें कि नहीं समझा पाए कि कैसे जीमान इफेक्ट हो रहा था और कैसे स्टार्क इफेक्ट हो रहा था। जीमान इफेक्ट मैं बता दूं, एक स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दो से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में अगर वो स्प्लिट हो जाती है तो उसे जीमान इफेक्ट कहते हैं, और स्टार्क इफेक्ट किसको कहते हैं, जब एक स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दो से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाए तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ना तो बोहर समझा पाए ना ही सोमरफील्ड समझा पाए कि जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। और जो सेवंथ पॉइंट था ये मैंने जस्ट अपनी तरफ से इंक्लूड किया है, बट ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एन इक्वल टू वन ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, यानी ये बात एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूफ हो गई थी कि n इक्वल टू वन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है, बट बोहर कहते थे और सोमरफील्ड कहते थे ये तो जीरो हो ही नहीं सकती, कैसे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कहूं ये जो ऑर्बिट है ये n इक्वल टू वन क्वांटम नंबर पे है, तो अगर ये इस ऑर्बिट में इसका चक्कर लगा रहा है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, किसी थ्योरी से, बोहर और सोमरफील्ड की, क्योंकि वही कहते थे कि न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ ना कुछ डेफिनेटली आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जो मेजर हुआ एन इक्वल टू वन के लिए देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम, देयर इज नो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो फॉर एन इक्वल टू वन, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर हुआ, जो ये दोनों की थ्योरी ये कहती थी कि ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो सीधे सीधे उन्होंने बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू का फॉर्मूला ये है, यानी एन की वैल्यू आपको पता है 1, 2, 3, 4 यही हो सकती है, तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है उसकी वैल्यू या तो एच कैप होगी या 2H कैप होगी, ये एच कैप आप समझ रहे हो ना, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ये एच कैप कहने का मतलब है H/2π, ठीक है, यानी उन्होंने ये बोला था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ही हो सकती है, जीरो तो नहीं हो सकती, तो जीरो नहीं हो सकती इसका मतलब ये l भी जीरो नहीं होगा, बट एक्सपेरिमेंटली l की वैल्यू जीरो आ रही थी कब, जब n इक्वल टू वन, ठीक है।
फॉर एन इक्वल टू वन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, आपको ये नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है, मोमेंटम। फिर इसके बाद भी और थ्योरी आई, बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं फटाफट, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, मिटाऊ। तो जब सारे मॉडल फेल हो गए, सोमरफेल्ड का भी मॉडल फेल हो गया, कि ये समझाने में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है या एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये सब बताने में जब सारे मॉडल फेल हो गए, तो उसके बाद एक कंबाइंड मॉडल आया। मतलब वो मॉडल नहीं था, वो किसी एक अलग साइंटिस्ट ने नहीं लिया था, पूरी एक सोसाइटी ने, साइंटिस्ट की पूरी सोसाइटी ने वो मॉडल माना था और दिया था। वो मॉडल एक्चुअल में जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था वो फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच थी, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिक्स में कई सारी ब्रांच होती है, जैसे मैं कह सकता हूँ स्टैटिस्टिकल एक फिजिक्स होती है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है, उसके बाद आपको पता ही है एक न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, पार्टिकल फिजिक्स होती है, और क्लासिकल फिजिक्स होती है। ऐसे ही एक अलग ही ब्रांच थी फिजिक्स की, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन ही वहीं से हुआ जहां पे सारे मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को समझाने में फेल हो गए। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ सको जो टॉपिक मैं आज के डेट में पढ़ाने वाला हूं। आज के डेट में हम बात करेंगे किसकी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम की, हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा फैक्ट आपको समझने जरूरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं, कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स मैं मानता हूं, अब आप लोग क्या मानते हैं और अलग जो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है वो क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आइडिया से क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में तीन कॉन्सेप्ट पे बेस है। वो तीन कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है जो डी ब्रोगली ने दिया था, जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली कहते थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर एब्जॉर्ब्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज व्हेन दे मूव विद हाई वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि जब मैटर के पार्टिकल हाई वेलोसिटी पे होते हैं, तो जो मेटल के पार्टिकल हैं वो वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी वो पार्टिकल वेव का नेचर शो करता है। तो वेव का नेचर हमें कैसे पता चलता है, आपको पता है वेव का नेचर को डिटरमाइन करने के लिए हमें वेव की वेवलेंथ निकालनी होती है। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। एक्चुअल में आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वेव की वो होती है वेवलेंथ। तो ये जो कैरेक्टर होता है वेवलेंथ, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। और आपको पता है जो P होता है मोमेंटम, वो होती है पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो मोमेंटम आपको पता है पार्टिकल का मास इनटू पार्टिकल की वेलोसिटी। तो पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, पार्टिकल का मोमेंटम। तो मोमेंटम का रिलेशन उन्होंने वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह से निकाला था, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो यानी क्वांटम मैकेनिक्स पहली बात तो ये मानती थी कि जो पार्टिकल का नेचर होता है, जो पार्टिकल का बिहेव होता है, वो एक वेव से गाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं वेव पैकेट या हम वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में इस इक्वेशन को जो डिटरमाइन करते हैं, यानी हम कहना, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक आइडिया दे दिया वेव फंक्शन का, ठीक है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक्चुअल में इक्वेशन होती है वेव पैकेट की। वेव पैकेट यानी जब नंबर ऑफ वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, यानी ऐसी वेव जो एक पार्टिकल को गाइड करती है। कहने का मतलब समझो कि वेव जहां से जा रही है पार्टिकल भी वहां से जा रहा है, इसे कहते हैं कि वेव एक पार्टिकल को गाइड कर रही है। तो कहने का मतलब है डी ब्रोगली ने एक आइडिया दिया कि जो मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनके पाथ को हम वेव फंक्शन की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। आइडिया आपको समझना है, यानी डी ब्रोगली ने एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऐसा काम किया कि उन्होंने हर पार्टिकल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये आइडिया दिया कि उसको ट्रैक हम उसके वेव फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और वेव फंक्शन आपको पता है एक वेव की इक्वेशन ही एक वेव फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था मैकेनिक्स का जो दूसरा आइडिया था, पहला आइडिया तो यही है कि जो पार्टिकल होता है और हाई वेलोसिटी में मूव करता है जो पार्टिकल, उसको हम वेव फंक्शन की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं या उसको गाइड कर सकते हैं, या हम ये पता लगा सकते हैं वेव फंक्शन की हेल्प से कि वो पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आइडिया क्या था, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक और बार समझा देते हैं। यानी ओवरऑल डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसका सीधा सीधा ये मतलब था कि एक पार्टिकल में वेव जैसा नेचर होता है, इसलिए हम कोई एक ऐसा वेव फंक्शन बना दें जो वो वेव फंक्शन उस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन कर सके या उस पार्टिकल की मोमेंटम को डिटरमाइन कर सके। ऐसा वेव फंक्शन हम बना सकते हैं किसी भी पार्टिकल को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। यानी वेव फंक्शन का काम क्या होता था, वेव फंक्शन का काम उस पार्टिकल की या तो हम पोजीशन से डिटरमाइन कर सकते थे या उसकी मोमेंटम, इनफैक्ट उसकी एनर्जी या और सारी प्रॉपर्टी जो जो हम जो प्रॉपर्टी एक वेव में होती है या जो प्रॉपर्टी एक पार्टिकल में होती है, वो सारी ही प्रॉपर्टी हम किसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते थे, वेव फंक्शन की हेल्प से। तो उन्होंने ये आइडिया दिया वेव फंक्शन का। ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइडिया वेव फंक्शन का दिया वो डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है। अब दूसरा क्या आइडिया था क्वांटम मैकेनिक्स का, दूसरा आइडिया था जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ये प्रिंसिपल उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था, यानी कि कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये प्रूफ किया कि हम कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एट सेम पोजीशन मेजर नहीं कर सकते, करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मैंने लिखा भी है, इट इज इम्पॉसिबल टू मीजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में मैं अगर चाहूं एक पार्टिकल का, अगर मान लो सपोज करो कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैं उस पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम एक ही समय पे करेक्टली मीजर नहीं कर सकता। वो सिंपल हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता था। उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन मैं जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ये इक्वेशन कई तरीके से लिखी जा चुकी है, बट सिंपल वे यही था कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एच क्रॉस अपॉन टू से ज्यादा ही होगा। आपको पता है एच क्रॉस क्या है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, और उसकी रिलेशन प्लांक कांस्टेंट से ऐसी होती है, एच अपॉन टू पाई। क्लियर हुई बात, दिखाई दे रहा है कि हलवा हलवा नजर आ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम का जो लास्ट आइडिया था वो था श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, मिलाओ। एक्चुअल में इससे मैं एक और चीज बता दूं, हाइजेनबर्ग के इस आइडिया से ये भी पता चल चुका था कि हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये पार्टिकल इस एरिया में, फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये एक्चुअल में अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर है, तो वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताएगा कि इस हाफ में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या इस हाफ में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी एटम के इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि वो किस पोजीशन पे है, यानी वो ये प्रिंसिपल सिंपली ये कहता था। हम सिंपली ये बता सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में कहां पे होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, एग्जैक्टली हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी। जैसा कि बोहर ने बताया था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, जिसे हमने बोला n=1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, यानी उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में होगा, बट जो हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो कह रहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होने की प्रोबेबिलिटी होगी। कोई एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक
ठीक है, यानी दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, पहला कि पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए हम एक वेव फंक्शन ढूंढेंगे, जो वो वेव फंक्शन उस पोजीशन की सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा, है ना। वो वेव फंक्शन सिंपली इक्वेशन होती है वेव पैकेट की या वेव की, वेव पैकेट यानी नंबर ऑफ वेव्स की, या वेव सिंपल एक वेव की जो इक्वेशन होती है उसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आइडिया हाइजेनबर्ग ने दिया वो ये था कि हम करेक्टली उसकी पोजीशन और मोमेंटम या एनर्जी या जो भी चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो एकदम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एटम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हो वो इस रीजन में हो या किसी भी रीजन में हो, उसकी हम जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 100% इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये दो आइडिया लिए। इसके बाद जो फाइनल आइडिया था जिसके बेसिस पे हम आज एटम के स्ट्रक्चर की बात कर पाते हैं, वो लास्ट जो आइडिया था, ये दो आइडिया आई होप आपने उठा लिया होंगे, नहीं उठा रहे होंगे तो सॉरी, वीडियो को फिर से स्टार्टिंग में देख लेना जब मैंने आपके स्क्रीन के सामने ये रखा था। जो फाइनल आइडिया दिया था वो थे श्रोडिंगर। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप ने पढ़ी है तो मुझे यकीन होगा कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, ये थर्ड था क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक है कि आपको आइडिया आ जाएगा। श्रोडिंगर सिंपली बोला कि हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अभी तक वेव फंक्शन अलग से आया था, है ना, वेव फंक्शन की बात जिन्होंने की थी वो हमारे डी ब्रोगली थे, उन्होंने अलग से वेव फंक्शन, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है वो बताने वाले श्रोडिंगर थे। उन्होंने बोला कि एक वेव इक्वेशन होती है, इसी को हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, वेयर जो एच है ये ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर कहने का मतलब है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस अगर जिनको ऑपरेटर समझ में ना आ रहा हो तो ऑपरेटर जस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो हैमिल्टोनियन, ये एच एक ऑपरेटर है जिसे हम हैमिल कैसे लिखते हैं भाई, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और जो ये पी है वो है एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, उन्होंने एक इक्वेशन रखी, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या काम करता था मैं एक आइडिया से बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये श्रोडिंगर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, यानी ये इक्वेशन समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक ऑपरेटर है ओ, और ये वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हो रहा है और इसने एक आइगन वैल्यू लैम्डा दी है, तो यहाँ पे जो साई है वो वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, वेव फंक्शन साई की वैल्यू हमने ले ली ए की पावर 2x, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में साई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम किसकी हेल्प से, श्रोडिंगर इक्वेशन, पर मान लो कि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, और ये जो ये है हमारा ऑपरेटर उसका एक्सप्रेशन क्या है, डी बाई डी एक्स, तो अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं लगा दू डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा ए ई की पावर 2x, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ए ई की पावर 2x, तो ए ई की पावर 2x तो साई था ना, तो क्या हो जाएगा यानी 2 साई, यानी यहां से क्या मिल गया, यानी डी बाई डी एक्स साई की वैल्यू क्या होगी, यानी देखो डी बाई डी एक्स क्या था ऑपरेटर, और लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 2, यानी ये सिंपल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने एक ऐसी इक्वेशन लिखी जिसकी हेल्प से हम एक ऑपरेटर लगाते थे वेव फंक्शन में, तो वो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू दे देता था, यानी उस सिस्टम की जिसका वो वेव फंक्शन जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ ये किसी एटम का वेव फंक्शन है, यानी ये वेव फंक्शन किसी एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हैमिल्टोनियन इस पे ऑपरेट होगा तो उस एटम की एनर्जी दे देगा,
यानी उस एटम की कितनी पॉसिबल एनर्जी है वो सब आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ये आइडिया नहीं है, ये एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स में हम पूरा यही सब पढ़ते हैं कि कैसे कैसे होना है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी, बट इसको और अच्छी तरह से अगर मैं लिखूं, ठीक है, ये आपको अगर नोट करना था तो आपको फिर से पीछे थोड़ा बैक करना होगा वीडियो और फिर नोट कर लेना होगा। मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, ठीक है। हैमिल्टोनियन एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं कहूँ ये टोटल एनर्जी है तो आपको पता है हैमिल्टोनियन कैसा होना चाहिए। हैमिल्टोनियन एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम होती है काइनेटिक एनर्जी, पी तो आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है ऐसे ही लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम, यानी इसको मैं पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकता हूं, ठीक है। यानी हैमिल्टोनियन को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, और इसको मैंने बंद करा साई से और ये हो जाएगा ई साई, ठीक है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन की थोड़ा और बेटर फॉर्म है। एक्चुअल में मैं इतना ही आपको समझाऊंगा, अब हमें क्या करना है, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है तो क्या होता है कि पी यानी मोमेंटम का ऑपरेटर रखते हैं, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, यानी ये हुआ उस सिस्टम का मोमेंटम। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो मैंने इस साइड रखा है ये पूरा का पूरा ऑपरेटर है, क्लियर हो गया, है ना। कहने का मतलब मैंने बताया था ना इस साइड में ऑपरेटर होता है, इधर आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। और इस चीज को हम आइगन इक्वेशन भी कहते हैं, आइगन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, होता क्या था कि जब मैं इस पूरी इक्वेशन में इस P की वैल्यू पुट करता था, यानी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट करता था पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, यानी मुझे P क्या करना है, ऑपरेटर की वैल्यू रखनी है। तो आपको पता था P ऑपरेटर की वैल्यू मैं बता देता हूँ, माइनस का आई एच कैट डेल्टा होता है। तो अगर P ऑपरेटर की वैल्यू आप रखोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, माइनस का एच कैट स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी, और यहाँ पे आपने लगाया वेव फंक्शन इक्वल टू ई साई, वेयर ई इज द आइगन वैल्यू। तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ टाइम का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं बता दूं ये जो डेल्टा है एक्चुअल में ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है ऑपरेटर एक्चुअल में, ये थ्री डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसको हम जनरली क्या लिखते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। दिस इज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। ये लाइन दिखाई दे रही है कि साफ हो गई, ठीक, दिखाई तो दे रही है, ठीक है। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये होंगे, ठीक है, मिटा दो ये सब, पॉज करके नोट कर लो, जस्ट आइडिया दे रहा हूं श्रोडिंगर इक्वेशन का, मिटा दो। अगर मैं कहूं डिपेंडेंट इक्वेशन बताओ टाइम डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट में क्या हो जाता है, एनर्जी को भी मैं ऑपरेटर की फॉर्म में रख देता हूं। जैसे ये एनर्जी आइगन वैल्यू है, लेकिन मैं कहूं कि ये एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं, ये भी एनर्जी का ऑपरेटर है, तो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई एच कैट डेल बाई डेल टी। तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कहां लिख लू, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, मिटाओ, बस यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का एच कैट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी साई इक्वल टू माइनस प्लस आई एच कैट डेल ई बाई डेल टी डेल साई बाई डेल टी, ठीक है।
हमने एनर्जी ऑपरेटर की, तो ये जो इक्वेशन हो गई ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो गई, दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअल में क्या होता था, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते थे, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, मैंने बताया कि डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डिफरेंशियल थी। मैंने आप ही बताया कि ये क्या था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये पार्शियल थे ना। जब हम इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये साइड पे ऑपरेट होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें दो चीजें मिलती थी, एक हम पूरा का पूरा इस साई के बारे में पूरा जानते थे, यानी साई के एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते थे, प्लस हम एनर्जी भी बता सकते थे, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से करेक्टली साई की वैल्यू पता चल जाती थी और करेक्टली एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती थी। अब साई की वैल्यू यानी वेव फंक्शन की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम वेव फंक्शन से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बात अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स जरूर पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये सारी पोजिशन मोमेंटम इनफैक्ट एनर्जी भी कैलकुलेट करके दे सकता है। तो यानी वेव फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो मिटा दो, ठीक है। तो मैं मेन इक्वेशन को रहने देता हूं, मेन इक्वेशन मेरी ये है, ठीक है। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन थी जिसकी हेल्प से हम किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते थे। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सिस्टम क्या है, एटम है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे, ठीक है, हम ऐसे ही सिस्टम मानते थे एटम का, और हम कहते थे एटम ऐसा ही होता है, उस टाइम ऐसा ही समझते थे। तो ऐसा अगर समझे तो इस सिस्टम के लिए हमें ये साई कैलकुलेट करना था कि ये साई इस सिस्टम का पता कैसे लगाएगा। तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल सी बात है, हमें इस V की वैल्यू पुट करनी है। V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यानी हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बस इतना सा काम करना है कि इस V की वैल्यू को पुट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं बोलूं कि सिस्टम के ऊपर, ठीक है, प्लस E चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन R, R इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। अच्छा, जैसे ही हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इसमें रखते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो बीएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं बीएससी में, इनफैक्ट एमएससी में भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग मेरे मानने से, तो मेरे समझने से तो आप लोग सीख गए होंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वी की वैल्यू हमें पुट करनी है किसके लिए, एटम के लिए, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमने डाल दी। अब इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो हमें इस साई की वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, चलो फटाफट इसे मिटा दें। अब लिखना क्या है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम में, वो बस लिखवाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बस ये समझाने के लिए बताया कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है, ठीक है। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या कंसेप्ट है और उन कंसेप्ट को हम लगाएंगे एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो इसको मैं मिटा दूं फटाफट, फिर हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको इस थ्योरी में, यानी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम में लिखना है एग्जाम में। तो मिटा दूं, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक,
जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम, या हम इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम आप ये कह सकते हो क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है, तो अब हम उस मतलब उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको, अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा टाइटल आता है तो आपको क्या लिखना होता है। तो अब बस हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि इस टाइटल के अंदर आपको क्या क्या लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लेट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करनी है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने बोला था अभी कैसे, इक्वेशन क्या होती है, 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू ई साई। क्लियर हो गई बात। लेट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फॉर एच एटम इज, ठीक है, ऑफ नी फॉर एच एटम इज, दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमें क्या, किसके बारे में पता करना होता है, साई के बारे में। एक्चुअल में हमें वेव फंक्शन कैलकुलेट करना, वेव फंक्शन ही बता पाएगा कि हाइड्रोजन एटम का या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हमें ये वेव फंक्शन ही बताएगा। तो इस वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ठीक है, या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, आपको मैंने बोला था हैमिल्टोनियन को जब मैं वेव फंक्शन पे ऑपरेट करूंगा तो मुझे एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर इतना होता है, ठीक है, हैमिल्टोनियन का जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैंने ऑपरेटर की वैल्यू लगा दी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। ठीक है, अच्छा, वेयर आपको पता है वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एटम। तो आपको पता है एच एटम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2 upon r। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज q1 और q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। बट अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई का चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्कुलर ऑर्बिट में, हमें नहीं पता लेकिन वो उसके कहीं पे मतलब उसके अराउंड कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसका चार्ज माइनस ई होता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरा q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ई, q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई। तो वैल्यू पुट करोगे तो v इक्वल टू 1/4πε0 e स्क्वायर अपॉन r, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी माइनस में, माइनस इंडिकेट करता है पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस में आती है तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम हमारा कैसा है, बाउंड्री स्टेट में है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो तब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तब जाके जो वेव फंक्शन आएगा वो वेव फंक्शन इस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता पाएगा। क्लियर हुई बात, इतना नोट कर लो बेटा। ठीक है, यानी अब जो भी मुझे इस श्रोडिंगर इक्वेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखनी है वो इतनी होगी, इसे नोट कर लो, मैं मिटाता हूं। अच्छा, एक और काम करते हैं। ठीक है, इतना लिखना है, मैं बस मेन मेन स्टेप लिखना चाहता हूं इस बोर्ड पे, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और बेटर वे में हम सारी चीजों को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी
साई इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। जनरली स्क्रोडिंगर इक्वेशन किसी फॉर्म में मिलती है, जहां पे भी मैक्सिमम मूव में इसी टाइप की इक्वेशन को दिखाते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन, बस इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं और। ठीक है, मैंने आपको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट बताया था, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहीं मूव कर रहा होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो तो हम तब बता पाएंगे जब इस वेव फंक्शन की एग्जैक्टली हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, क्योंकि वेव फंक्शन मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में बताया था कि वेव फंक्शन गाइड करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, अगर ये वेव फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी तब जाके हम बता पाएंगे कि वेव फंक्शन की इंफॉर्मेशन, जब कि वेव फंक्शन का जब एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा तब जाके हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह का बिहेवियर या मोशन शो करता है। तो अभी हमें नहीं बताया, तो बस मैंने एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही माना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के केस में तो ये बाउंड स्टेट है और यही जो स्टेट है ये हाइड्रोजन एटम है अभी तक। क्लियर हो गया, बट ये बाउंड स्टेट है तो बाउंड स्टेट में जो टोटल मास ऑफ सिस्टम होता है वो रिड्यूस मास होता है, और आपको मैंने रिड्यूस मास यानी रिड्यूस मास क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास ऑफ सिस्टम दैट इज रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम। तो रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम क्या होता है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम यानी मास ऑफ प्रोटॉन, स्मॉल एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो एम है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट हम ये श्रोडिंगर इक्वेशन सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इस एम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ रिड्यूस मास से, है ना, क्योंकि अब हम किसके लिए बना रहे हैं, एक सिस्टम के लिए बना रहे हैं कि सिस्टम में एनर्जी कितनी है, सिस्टम का वेव फंक्शन कैसा है, वो सब हम किसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो कब कैलकुलेट होगा, जब इस मास को जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्लेस कर दूं टोटल मास ऑफ सिस्टम से, तो रिप्लेस कर दे तो मैं मिटा दूं। तो ठीक है, नोट करते रहना क्योंकि मैं मेन चीजें लिखूंगा इस बोर्ड में आज के लिए, क्योंकि वैसे मेरा बोर्ड बहुत छोटा है और वो बहुत जल्दी भर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन बन गई। ठीक है, मैं कोई चीज मिस नहीं करना चाहता, इतनी बात समझ में आ गई, बाकी सब चीजें मिटाए और अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ओवरऑल हमें अगर ये जानना है कि हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में मैंने बोल दिया ये पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 1/4πε0 माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी, यानी वी की वैल्यू इतनी है और तब जाके मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मिलता है हमें, फंक्शन की वैल्यू मिलती है, फंक्शन का एक्सप्रेशन मिलता है, यानी मुझे ये साई की वैल्यू पता चल जाएगी अगर मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब अगले मैं बता दूं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसको खोलूं तो ये डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो अगर अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई एच जेड स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। जब आप इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो हमें, पहले तो मैं बता दूं इक्वेशन ये जो मैंने लिखी है ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन यानी वेव फंक्शन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो, अगर मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे वेव फंक्शन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में मिलेगा अगर मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। बट जब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश
की गई तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। इसका रीजन भी था, इसका रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करता। रेक्टिलिनियर मोशन कहने का मतलब स्टेट, यानी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं कहूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किन कोऑर्डिनेट किस टाइप के सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल है, तो आप कहोगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने बोला एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है जिनका मोशन लीनियर हो, ठीक है, लीनियर हो। प्रॉब्लम क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो लीनियर नहीं था, और लीनियर नहीं था इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही थी। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ डिफरेंट टाइम का है, तो मुझे डिफरेंट टाइम का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना था, तो डिफरेंट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको हमने बोला कार्टी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बोलूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, आप कहोगे एक्स वाई जेड, लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर स्पेरिकल स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें एक लोकेशन, अगर मैं कहूं ये पी पॉइंट की लोकेशन कैसे पता चलेगी, तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक आर, एक थीटा और एक फाई। ये आर बताता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, थीटा ये बताता है कि जेड एक्सिस से इस लाइन का यानी ओपी लाइन का एंगल कितना है वो बताता है थीटा, और जो ये फाई है ये बताता है कि इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये प्रोजेक्शन हो गया एक्स वाई प्लेन में, इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, यानी जो इसका प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। यानी हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे, और जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सॉल्व हो भी गई, क्लियर होगी बात। इसका मतलब जो हम साई अब कैलकुलेट करेंगे वो साई किस पे डिपेंड करता है, आर थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, समझ गए, क्योंकि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हुई नहीं, तो इसका मतलब हम जो एटम का जो वेव फंक्शन था उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक पॉइंट को हम ट्रैक करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई का यूज करते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, तो हमें रिजल्ट भी मिले। यानी आप इस लाइन के बाद क्या लिखोगे, ऑन सॉल्विंग एबव इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देन वी गेट द सॉल्यूशन, ठीक, ऑब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन है ना। यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि आपको वेव फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, तो वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन था एक्चुअल में वेव फंक्शन एन एल एम, यानी मैं ये कहूं कि जो ये वेव फंक्शन था ये तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो इस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आ रहा था वो तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, क्लियर हुई बात यहां तक समझ में आ गए, है ना। यानी इस लाइन के बाद आप ये लिखोगे देन वी फाइंड दैट द सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन थ्री क्वांटम नंबर विच आर, अब वो तीन क्वांटम नंबर क्या थे, एन एल एम, तो क्वांटम नंबर एन को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यानी हम जनरली क्या लिखते हैं,
जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस साई को हमने सॉल्व किया, तो ये साई तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, तो उसकी डिपेंडेंसी को दिखाने के लिए मैंने साई के सफिक्स में एन एल और एम लिख दिया। ये दिखा रहा है कि साई एन एल एम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो पहला क्वांटम नंबर था उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आती थी। इनफैक्ट इन क्वांटम नंबर को हम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो अगर मैं कहूं n इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की ये सेल में है। अगर हम कहें n इक्वल टू 2 है क्वांटम नंबर तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के एल सेल में है, ठीक है। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 3 हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के एल एम सेल में है, ठीक है। ऐसे ही के एल एम एन, यानी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 क्वांटम नंबर शो कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एन सेल में है। ऐसे ही इन सेल के नाम दिए गए हैं एंड सो ऑन, क्लियर हुई बात। यानी अगर मैं कहूं कि वेव फंक्शन, समझाने के लिए समझा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि वेव फंक्शन हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, बाद में समझाएंगे, लेकिन अगर वेव फंक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें एन की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के सेल में। अगर एन की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव फंक्शन बना रहा है जिसमें एन की वैल्यू 2 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एल सेल में है। ऐसे ही मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ऐसा है जिसमें क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 3 है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एम सेल में है, ठीक है। इस तरह से ये क्वांटम नंबर बने, ठीक है। मिटा दूं बाकी चीजों को, ठीक है। यानी तीन क्वांटम नंबर में डिपेंड कर रहा था हमारा जो वेव फंक्शन आया, यानी जो हमारे एटम का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला जो वेव फंक्शन था वो तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था। पहले क्वांटम नंबर के का रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। अब जो दूसरा क्वांटम नंबर था उसको हमने बोला ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने इनके नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों लिया, इसका नाम मैंने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्यों लिया, बाद में बताऊंगा। अभी आप इनके नाम सुन लो, क्योंकि जो नाम यूज होते हैं एक्चुअल में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसका भी रीजन बताऊंगा कि इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर हम इस एल को बोलते हैं जो सफिक्स में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वो एन की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से एक कम ही रहेगी, ठीक है। अगर वेव फंक्शन में एल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका भी एक नाम दिया गया। अगर वो नाम इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूं, है ना, अगर वो नाम मैं इलेक्ट्रॉन की स्टेट के लिए बोलूं, इलेक्ट्रॉन स्टेट, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, अगर 0 है तो एस, अगर वो 1 पे है तो पी, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट या ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑब्लिक ऑर्बिटल, यानी हम कहेंगे कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, अगर एल की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। ऐसे इनके नाम बने थे एस पी डी और एक एफ, ऐसे आगे बढ़ाते रहता, ठीक है। एंड सो इसके आगे एक और नाम ले देता हूं, 4 के लिए हम एस पी डी एफ जी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको जो हमने नाम दिए इनको हम स्टेट्स बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलते हैं, जनरली हम इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, तो मैं यहां ऑर्बिटल लिख दूं। यानी अगर मैं बोलूं कि एस है तो यानी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, कहने का मतलब क्या है, अगर वेव फंक्शन में एल की वैल्यू 0 होती है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, अगर वेव फंक्शन में एल की वैल्यू
वन होती है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। अगर वेव फंक्शन में एल की वैल्यू टू है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है। इस तरह से हमने इनके नाम दे दिए थे, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वांटम नंबर था जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनका नाम क्यों हमने ऐसा रखा वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा और इंतजार कर लो, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसे हम एम से शो करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या हो सकती थी जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये सारे रिजल्ट हमें मिले, ठीक है, वो जब हमने श्रोडिंगर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो एम की वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, ठीक है, 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन ±L, है। एल की वैल्यू जितनी होती थी एम की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल भी दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कि कैसे वेव फंक्शन बनता है मैं बता देता हूं। कि मैं बोलूं कि एक वेव फंक्शन ऐसा है जिसमें एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू भी 0 है। ऐसा वेव फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये क्वांटम नंबर हमें मिल रहे थे। तो इसके लिए होता क्या था बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो फंक्शन था उसके लिए अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हमें फंक्शन मिल रहे थे। कहने का मतलब मैं समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यानी जो इस वेव फंक्शन था हमारा ये 3 क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा था, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये 3 क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या थे, 3 फंक्शन अलग अलग थे। एक फंक्शन आर पे डिपेंड कर रहा था पोजीशन कोऑर्डिनेट पे, एक फंक्शन हमारा स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा था, एक फंक्शन हमारा स्मॉल थीटा पे डिपेंड कर रहा था, एक फंक्शन हमारा फाई पे डिपेंड कर रहा था। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, पहले देख लो, ठीक है। यानी ये हमारे फंक्शन है 1, 2 और ये 3, ये फंक्शन है। मैंने शो ऑफ करने की कोशिश की है कि जो ये आर है वो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, जो ये बड़ा सा थीटा है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो इस अच्छे तरह से जो मैंने फाई बनाया है वो इस फाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये क्वांटम नंबर हम अप्लाई करते थे तो इन फंक्शन की, जिससे इन 3 फंक्शन से हमारा वेव फंक्शन बना है, तो इनकी अलग अलग वैल्यू आती थी। अब इन क्वांटम नंबर के लिए फाई की जो वैल्यू आती थी वो आती थी 1/√2π, और जो थीटा कैपिटल थीटा जो मैंने ये फंक्शन बनाया है उसके लिए इसकी वैल्यू आती थी 1/√2, ठीक है। और जो हमारा आर था उसकी वैल्यू आती थी 2, कितनी आ रही थी मुझे याद तो है नहीं, यहां पे नहीं लिखते हैं, यहां पे आर इक्वल टू 2/a^(a₀)^(3/2)-r/a₀, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा अब मुझे वेव फंक्शन बनाना है तो मुझे इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैपिटल थीटा और फाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट आएगा 1/√5a₀³(e^(r/a₀), ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने ये जो वेव फंक्शन बनाया ये फाई की वैल्यू किसके लिए लिखी है, एन, जहां पे एन की वैल्यू 1 हो, एल की वैल्यू 0 हो, एम की वैल्यू 0 हो, उन्हीं के लिए मैंने ये 3 वेव फंक्शन बनाए थे, ठीक है। अब इसका मतलब मैं इस साई के नीचे ये इंडिकेट कर सकता हूं 1, 0, 0, दिखाई दे रहा,
ठीक है, यानी कुल मिला के कुल तीन क्वांटम नंबर के लिए साइको हम क्या लिखेंगे, 1, 0, 0। ये 1 इंडिकेट, पहला नंबर इंडिकेट कर रहा है ये एन की वैल्यू है, दूसरा नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एल की वैल्यू है, और तीसरा नंबर इस वेव फंक्शन के नीचे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एम की वैल्यू है। और ये जब हमने कैलकुलेट किया तो मैंने बता दिया ये कुछ ऐसा आएगा, पाई ए नॉट का क्यूब ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, ये हमारा वेव फंक्शन आया इस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के सेट के लिए। तो इस तरह से वेव फंक्शन बने थे, और ये वेव फंक्शन सिंपली इन तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने शो करने की कोशिश की है। बट ये एग्जैक्टली आप अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो मैंने कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो अब ये सब चीजें मिला, ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं, ये रिजल्ट नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसका यूज करूंगा। तो कुल मिला के हमने एक एग्जांपल से ये बताने की कोशिश की कि वेव फंक्शन एक्चुअल में तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसा लिखता हूं वेव फंक्शन को, और मैंने आपको बताया था ये वेव फंक्शन एक्चुअल में हमें बहुत सारी चीजें बता सकता है, जैसे कि ये वेव फंक्शन हमें एनर्जी के बारे में बता सकता है, ये वेव फंक्शन हमें पोजीशन के बारे में बता सकता है इलेक्ट्रॉन की, ये वेव फंक्शन हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता सकता है, यानी ये वेव फंक्शन जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो हमें कई बात की इंफॉर्मेशन देता है, बहुत सारी बातों की इंफॉर्मेशन देता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे अब इस वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन। तो पहले हम चाहते हैं एनर्जी निकालना, एनर्जी ऑफ एच एटम। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हर चीज को कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर बने, समझाता हूं कैसे। देखो अगर मुझे किसी पार्टिकल की मोमेंटम निकालना होगा तो मुझे मोमेंटम ऑपरेटर लगाना होगा, कहने का मतलब है, देखो सिंपल सी कहानी बताता हूं। जैसे मेरे को अगर मोमेंटम निकालना है किसी भी वेव फंक्शन का, यानी किसी वेव फंक्शन से मोमेंटम निकालना है, कहने का मतलब है कि वो वेव फंक्शन जिस पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, जब वो तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम इस मोमेंटम को उस पार्टिकल के वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी, और जो ये वैल्यू होगी यही एक्चुअल में मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, पार्टिकल विच गाइडेड बाय साई वेव फंक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो कहने का मतलब है अगर मुझे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए तो मैं एनर्जी ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है, मैं मिटाते रहूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, इसे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो यानी अब मुझे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का ऑपरेटर होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस का आई एच कैट एल बाई एल, ये एनर्जी का ऑपरेटर है, ठीक है। अब जब मैं इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करूंगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, जब मैंने अप्लाई किया ना, यानी जब क्वांटम मैकेनिक्स ने जब हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन एन एल एम पे अप्लाई किया तो उन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला, साई एन एल एम, ठीक है, यानी ये माइनस आर एच सी बाई एन स्क्वायर, ये रिजल्ट है एनर्जी का, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का जो बोहर ने भी कैलकुलेट की थी, ठीक है। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो मेरा ये माइनस आर, जो आर एच सी की वैल्यू आती है वो आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है,
ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूं तो साई एन एल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर साई एन एल एम। तो यहां से मुझे ये भी पता चला कि इस इक्वेशन में मुझे क्या बता दिया, एनर्जी कितनी हाइड्रोजन एटम की, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि ये एनर्जी एन पे डिपेंड कर रही है तो मैं एनर्जी के सफिक्स में एन लगा देता हूं। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 etc। अब हम इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ये क्वांटम नंबर हमें डायरेक्टली एटम की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये ओवरऑल उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी वजह से हम इस क्वांटम नंबर जिसे हम n कह रहे हैं उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि मैं मिटा। ध्यान देने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिजल्ट करेक्ट वही आ रहा था जो बोहर थ्योरी ऑफ एटम का रिजल्ट आ रहा था, करेक्ट वही रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, मिटा दू। ठीक है, अब हम दूसरी चीज कैलकुलेट करेंगे इस वेव फंक्शन की हेल्प से। अब वो दूसरी चीज क्या है इस वेव फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करने के लिए, वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सेकंड हमारा जो टास्क है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाएंगे। देखो ये जो मैं कैप ऐसे बना रहा हूं ना किसी लेटर के ऊपर, जैसे मैंने एनर्जी के ई के ऊपर कैप बनाया, इसका मतलब ये ऑपरेटर है। ऐसे मैं एल स्क्वायर के ऊपर कैप बना रहा हूं, इसका मतलब ये कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है। क्लियर होगी बात, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। ठीक, अब ये जब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमें क्या दे देता है, एल एल प्लस वन एच कैप स्क्वायर और एन एल एम। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, एल एल प्लस वन एच कैप स्क्वायर, यानी मैं एल की वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा रूट एल एल प्लस वन एच। ठीक, हमें पता है वेयर L क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 and so on। तो यहां से हमें यह भी पता चला कि यहां पे भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। अगर मैं L की वैल्यू 0 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, अगर L की वैल्यू 1 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहां L की वैल्यू 1 रखोगे तो रूट टू एच कैप, एल की वैल्यू 2 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एच कैप। इसका मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एटम के स्ट्रक्चर का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी यही शो कर रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस तरह से क्वांटाइज होता है वेयर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4। ये किसके था, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। बट बोहर मॉडल भी यही शो कर रहा है कि ये क्वांटाइज्ड है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है ऑफ एटम का वो भी यही शो कर रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, बट कुछ अलग रिजल्ट आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपको नोट करने, वो तो जस्ट मैंने कंपेयर करने के लिए बताया, तो आप इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अब इसका रीजन पता चल जाता है यहीं से कि मैं स्मॉल एल को क्यों बोल रहा था कि ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, बिकॉज ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी हेल्प से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इस एल को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर नहीं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह रहे थे। ठीक है, एक और रीजन बताता हूं कि इसे मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल रहा था।
ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसलिए बोलता हूं मैं इसको क्योंकि हमें मैंने बताया ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसे हम कह रहे थे एक्स वाई जेड और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था आर थीटा फाई, तो जो ये थीटा है जो ये एंगल था इस वेक्टर का आर वेक्टर का जेड एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में जो ये एंगल था, इस एंगल को भी हम इसी की हेल्प से इसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नाम एजीमुथल बोलते हैं हम इसको, जो ये एंगल होता है कि एजीमुथल एंगल बोलते हैं। तो इसी वजह से इस एंगल को चूंकि हम इस क्वांटम नंबर की हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं इसीलिए हम इस एल को हम कभी कभी एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यही रीजन है इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा दूं, इतनी बात नोट कर लो। अभी शो करूंगा कि कैसे ये थीटा को कैलकुलेट करना है इस एल की हेल्प से। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब एक और इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी तो हमें निकालनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेव फंक्शन से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन तो हम निकाल डायरेक्टली नहीं पा रहे बट हम उसके जेड कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड चीज हम इस वेव फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे वो है जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको पता है एल जेड का भी ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू डेल बाई डेल फाई होती है, डेल आई एच कैट डेल बाई डेल फाई। ठीक है, ये मैं अब इस यानी मुझे जेड कंपोनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेट करना है तो साई पे ऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो साई पे ऑपरेट करना होगा तो कर दे, देखें क्या रिजल्ट आता है। तो जब मैंने साई पे मतलब जब क्वांटम मैकेनिक्स ने साई पे यानी वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जब एल जेड को ऑपरेट किया तो रिजल्ट आया एम एच केट साई एन एल एम। इसका मतलब जो जेड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम एच केट। अब आपको पता है वेयर एम क्या हो सकता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन प्लस माइनस एन। तो कुल मिला के हमें कंपोनेंट मिल गए, लेकिन जब हम इसके डिटेल में जाते हैं तो हमें कुछ नई बातें पता चलती हैं कि आप डिटेल में जाएं तो क्या पता चलेगा। अभी मैंने बोला था एजीमुथल एंगल के बारे में यानी एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, है ना, यही बोला था। अगर एल ये है तो एल का जेड एक्सिस से क्या एंगल होगा, ये भी एजीमुथल ही होगा। तो ये थीटा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसका मतलब एजीमुथल एंगल के बारे में बता रहे हैं, किसी भी किसी के लिए भी हम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अच्छा, तो आपको पता है एल इक्वल टू जीरो होगा तो एम तो जीरो होगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि एम कभी भी एल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एल जीरो है तो जीरो को प्लस माइनस जीरो तो नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्टली जीरो लिखते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में अगर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये जीरो हो जा रहा है और एल जेड की बात करूं तो ये क्या हो जा रहा है, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। देखो एल क्या होता है, एल एल प्लस वन एच कैट और ये एल जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, एम एच कैट। अच्छा, इस क्वांटम नंबर के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो एल क्या हो जाएगा, जीरो और एम एल जेड क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें यह भी पता चला कि डिटेल में जाते हैं, ठीक है, और ये n इक्वल टू जीरो के लिए l इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि l का रूल क्या था,
यहाँ एल का रूल लिख देते हैं कि एल 1 2 3 हो सकता है लेकिन एन माइनस 1 होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। यहाँ एन की वैल्यू देख सकते हैं, तो एन की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 करोगे तो एल की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 0। तो इस स्टेट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, और अगर ये 0 है तो इसके जेड कंपोनेंट की भी वैल्यू 0 होगी। ये वही ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक था बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी का, जो लास्ट ड्रॉबैक याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो वो ये शो कर रहे थे कि n इक्वल टू 1 स्टेट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो रही थी n इक्वल टू 1 के केस में। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको पूरी तरह से कंप्लीटली शो कर पा रही थी कि n इक्वल टू 1 के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मिटा दो, नोट कर लेना। बट जब एल की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, एल की वैल्यू 1 हो तो एम की क्या रिजल्ट हो सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1, ये रिजल्ट हो सकते हैं। देखो एल यहां पे आ जाएगा, एल की वैल्यू 1 रखने पे जो रिजल्ट होंगे, एम के रिजल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस एल तक जाते हैं, तो एल की वैल्यू 1 है तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि जब एल की वैल्यू 1 होती है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, डायरेक्टली रिजल्ट देख दे रहा हूं, ठीक है, एल 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 प्लस 1 एच कैट, यानी एल की वैल्यू क्या हो गई, √2 एच कैट। यानी जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कुछ वैल्यू आ रही होगी तो उसके जेड कंपोनेंट की कितनी वैल्यू पॉसिबल है फिर निकाल दे रहा हूं। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एम की वैल्यू 0 रखोगे तो एल जेड की वैल्यू 0, एल जेड की वैल्यू प्लस एच कैट और एल जेड की वैल्यू माइनस एच कैट। देखो रिजल्ट कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा था, यानी ऐसी क्वांटम स्टेट जिसमें एल की वैल्यू 1 हो, ऐसी क्वांटम स्टेट जिसमें वेव फंक्शन में एल की वैल्यू 1 आ रही हो, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड में था, बट उसके जेड कंपोनेंट की 3 वैल्यू आ रही थी। अब ऐसा होता ही नहीं है, अगर मैं बोलूं एक वेक्टर क्वांटिटी है 3, तो 3i 2j - 5k, तो मैं आपसे बोलूं कि ये अगर ये वेक्टर है तो ये फिक्स होना चाहिए, ऑब्वियसली फिक्स था, लेकिन जब मैं इसके जेड कंपोनेंट की वैल्यू कितनी भी बार कैलकुलेट कर लूं तो मुझे माइनस का 5 ही तो मिलेगी, यही तो है जेड कंपोनेंट। बट इस केस में क्या आ रहा था, जेड कंपोनेंट की वैल्यू 3 आ रही थी, अलग अलग आ रही थी, 3 आ रही थी लेकिन अलग अलग आ रही थी। अब ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन 3 स्टेट में हो सकता है। देखो एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन इतना मैग्नीट्यूड कब निकाल सकता है, चाहे वो ऐसे घूम ले, चाहे वो ऐसे घूम ले, या फिर वो ऐसे घूम ले। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। इन तीनों ही लूप में अगर इनका रेडियस और वेलोसिटी फिक्स है, यानी मैं कहूं कि इस हर एक लूप में इलेक्ट्रॉन इन लूप में ट्रेवल कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन इस लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन सभी लूप की कंडीशन होनी चाहिए कि एल की वैल्यू mvr, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस एकदम फिक्स रखें तो हर एक लूप में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इस लूप में घूम रहा है तो उसके लिए ये है v और r कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिर्फ 3 ही लूप में। क्लासिकली इलेक्ट्रॉन तो कितने सारे अनगिनत लूप बना सकता है, मतलब क्लासिकली हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर मैं कांस्टेंट v और कांस्टेंट r फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, यानी वेलोसिटी और रेडियस कांस्टेंट कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कई सारे अनगिनत लूप में ट्रेवल कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड।
बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन अनगिनत लूप में ट्रेवल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ तीन लूप में ही, थ्री लूप्स बना सकता है। इसका मतलब इस टाइप का जो क्वांटाइजेशन होता है इसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ तीन ही लूप में ट्रेवल कर सकता है, ऐसे तीन लूप जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की वैल्यू या तो जीरो हो, या तो प्लस एच हो, या तो माइनस एच हो। यानी जेड कंपोनेंट कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा आ रहा है ना, तो इसके ही जेड कंपोनेंट, यानी इस लूप का एक जेड कंपोनेंट के, मतलब समझाता हूं जैसे मिटाओ इतनी सारी चीजें। ये तभी पॉसिबल है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे जो सिर्फ मैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखाऊंगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम देखो मैं बताता हूं डायरेक्शन क्या है। अगर लूप ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड पाम रूल से निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, ऐसे अपने फिंगर को कर्ल करो और जो थंब डायरेक्शन दिखाएगा वो होगी इस लूप की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि जेड एक्सिस से ये तीन कंपोनेंट, तीन अलग अलग कंपोनेंट हमें मिले हैं जेड एक्सिस के, तो इसका मतलब तीन हमारे पास अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है। अब इन तीनों के ही जेड कंपोनेंट देखो, इसका जेड कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जस्ट परपेंडिकुलर है, तो यानी एक के लिए इस एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या आ रहा है, जेड जीरो आ रहा है ना, इसका जेड एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन एक के लिए प्लस वैल्यू आ रही है, प्लस एच है, और एक कंपोनेंट के लिए जेड एक्सिस में वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एच। यानी कुल मिला के अगर मैं इन तीनों ही का ऑर्बिट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा देखो, ये एंगुलर मोमेंटम अगर ये एल है तो इसका मतलब इसका लूप ऐसा होना चाहिए, इसका लूप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा, और एक लूप ऐसा होना चाहिए तभी इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ तीन ही लूप में एल इक्वल टू वन स्टेट में चक्कर लगा सकता है। यानी क्लासिकली तो बहुत सारे ऑर्बिट होने हो सकते हैं इस सेम रेडियस के, सेम रेडियस के, सेम वेलोसिटी के, क्लासिकली हम कई सारे ऑर्बिट बना सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है हम सिर्फ तीन ही ऑर्बिट बना सकते हैं जिनके जेड कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, एक का जीरो होना चाहिए, जैसे इसका जीरो है, इसका जेड एक्सिस में कोई कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि ये जस्ट परपेंडिकुलर है, इसका जेड एक्सिस में कंपोनेंट होगा प्लस एच के, इसका माइनस एच के, क्लियर हो गई बात, तो मैं मिटा लूं। तो मैंने अभी यही आपको बताया था कि जो एजिमुथल एंगल हुआ यही तो हुआ, क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं, एल जेड यही होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा इक्वल टू एल जेड इस ट्रायंगल के रूल से, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एल जेड बाई एल, आपको पता है cos थीटा lz की वैल्यू हो गई एम एच कैट, और इसमें l l प्लस वन एच कैट, एच कैट से एच कैट कैंसिल, यानी m अपॉन अंडर रूट में l l प्लस वन, ठीक है। यानी अगर मैं थीटा को कैलकुलेट करूं इन तीनों नंबर के लिए तो when m इक्वल टू वन, यानी पहला एंगल उसके लिए क्या आ रहा है, प्लस एच कैट आ रहा है, इस एंगल के लिए मैं निकालूं तो क्या यही तो एंगल है, जो ये एच कैट बना रहा है वो इसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से बन रहा है, तो m क्या हो जाएगा वन, तो उसके लिए l की वैल्यू तो तीनों के लिए ही वन रहेगी, ठीक है। तो इस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई रूट टू, यानी थीटा इक्वल टू 45, तो आपको दिख रहा है ये 45 है। ऐसे ही m इक्वल टू जीरो, l इक्वल टू वन, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो बाई रूट टू, यानी इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और m इक्वल टू माइनस वन, l इक्वल टू वन के लिए थीटा क्या हो जाएगा 135 डिग्री, क्लियर हो गई बात।
ठीक है। तो कुल मिला के हमें यहाँ से ये भी पता चला कि जो हमारा ये जो क्वांटम नंबर है m, वो ओरिएंटेशन शो करता है, एंगुलर मोमेंटम का ओरिएंटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन इस क्वांटम नंबर के l इक्वल टू वन क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन तीन टाइप के ऑर्बिट ले सकता है, है ना। पहला ऑर्बिट मैंने अभी दिखाया था, तीन टाइप के ही ऑर्बिट ले सकता है, क्यों, क्योंकि तीन ही एंगुलर मोमेंटम आ रहे हैं और तीन ही उसके जेड एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हर एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यही है, मैग्नीट्यूड हर एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यही है, लेकिन जेड कंपोनेंट तीनों के अलग अलग है, क्लियर हो गई बात। तो इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बट अभी एक और रीजन मुझे सॉल्व बताना है कि क्यों मैं इस एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं, नोट कर लो इसको। अच्छा, अब रीजन है कि मैंने एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोला, तो इसका रीजन सिंपली ये है कि जेड एक्सिस, मैं किसी एटम की जेड एक्सिस डिसाइड कर सकता हूं, कोई भी डायरेक्शन हम जेड एक्सिस ले लेते हैं सिंपली, बट मुझे किसी एटम की जेड एक्सिस को फिक्स करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना होता है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है हम उसी डायरेक्शन को फिजिक्स में जेड एक्सिस लेते हैं। तो जेड एक्सिस से डायरेक्शन कब हम ले सकते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो यानी जब हमें ये ML कब मिलेगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें तब ही मिल पाएगा जब हम एटम के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। इसी वजह से इस M को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्वांटम नंबर तभी अपीयर होगा जब मैं एटम के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी बातें हमें बता दी थी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने इतना बता दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए अभी भी मुझे एक और क्वांटम नंबर की जरूरत थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी वेव फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम पे। बट अभी भी सिस्टम एक और क्वांटम नंबर पे, यानी जो एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है, वो एक और क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। वो क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एक्चुअल में 1921 में दो साइंटिस्ट थे, एक स्टर्न थे, एक दूसरे थे गार्लिक। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ली, NS, ठीक है, मैग्नेट के दो पोल है, इस पोल से इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट किया। तो ये बीम इस मैग्नेटिक फील्ड से निकलने के बाद दो बीम में स्प्लिट हो जा रही थी। हाँ, मैंने बोला कि जेड एक्सिस किधर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, NS। तो बी की डायरेक्शन, बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या हो गई, जेड एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में। तो जो ये बीम थी, इलेक्ट्रॉन की बीम थी, जब स्टर्न गार्लिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इलेक्ट्रॉन की बीम दो बीम में स्प्लिट हो जा रही थी। जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार करा गया, तब भी हर बार दो ही बीम में इलेक्ट्रॉन की एक बीम स्प्लिट हो जा रही थी। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट्स होती है, ठीक है, ये भी एक क्वांटाइजेशन है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट है जिनका नाम है पॉल डिराक। पॉल डिराक ने 1929 में इस बात को एक्सप्लेन किया, उनका नाम था पॉल डिराक। इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी एक दी, जिसे हम रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से इन्होंने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एक इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, और ये क्वांटाइज्ड नहीं होता, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो पॉल डिराक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हैज एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यहां से हमें ये तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये दो स्टेट कौन सी हैं, तो उसको हम जेड एक्सिस में दिखा सकते हैं, उसके दो कंपोनेंट होंगे। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हमें ये पता चला इस कंपोनेंट की वैल्यू प्लस का एच कैट बाई टू थी और इस कंपोनेंट की वैल्यू माइनस का एच कैट बाई टू थी जब कैलकुलेट किया गया इनको। तो इसको स्पिन बोला गया उस टाइम, लेकिन थ्योरेटिकली सबसे पहले पाउली ने ये सब चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो सिंपली ये पता था कि ये दो बीम स्प्लिट हो गई, तो इन बीम का जो कहते हैं डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, तो उन्होंने जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही थी, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की वैल्यू ये आ रही थी। लेकिन पॉल डिराक ने जब इसकी डिटेल स्टडी की तो उन्हें ये पता चला जो इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पे स्पिन करता है, और जो स्पिन करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, कुछ ऐसी आ रही थी एस एस प्लस वन एच कैट, यानी ये आ रही थी रूट का थ्री बाई टू एच कैट। और उन्होंने बोला कि इसके जो जेड कंपोनेंट, यानी जो यहाँ पे क्वांटम नंबर यूज हो रहा है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर, इस स्मॉल एस को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है, वन बाई टू होती है। और उन्होंने ये बिल्कुल कैसा पता चल रहा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह। अब आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल जेड इक्वल टू एम एच कैट, और इस m की वैल्यू क्या होती है, जीरो प्लस माइनस वन, है ना, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, और क्या होता है प्लस माइनस l होता है। तो उन्होंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखा, तो इससे ये भी क्लियर हुआ कि हाँ वो वाकई एंगुलर मोमेंटम ही था, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे स्पिन लगा सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके जेड कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो जेड कंपोनेंट की वैल्यू भी इसी रूल पे फॉलो कर रही थी, यानी जो हमारा एस जेड होगा जिसे हम जनरली क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस जेड से ही दिखा देते हैं। एस जेड क्या होता है, एम एस एच कैट, यानी हम इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की वैल्यू दो आती है हमेशा। तो जो ये एम एस की वैल्यू है ये कितनी होती है, प्लस माइनस एस होती है, ठीक है, प्लस माइनस एस होती है, ठीक है। जैसे कि देखो सिमिलैरिटी देखो ना, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, सिमिलैरिटी देखो कि इस LZ की वैल्यू कितनी होती है, m h कैट, और ये m क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस l, ठीक है। यानी इस l की हेल्प से हम z कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे इस s की हेल्प से हम इसके z कंपोनेंट को कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये कितना होता है, ms की वैल्यू एक्चुअल में हाफ होती है। तो इसी वजह से हमारा क्या आया, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एच जेड की वैल्यू एक हो जाएगी एच बाई टू, और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस का एच क्रॉस बाई टू। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एच क्रॉस बाई टू है। तो कुल मिला के हमें ये पता चल चुका था कि जो स्पिन
जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट होती है, देखो अप स्टेट या डाउन स्टेट कह सकते हो इसको, या एक तरह से अप स्पिन या डाउन स्पिन कह सकते हो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये रही स्पिन की थ्योरी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या हुआ इस क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम का, कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि एक स्टेट जिसको हम कहते हैं एन एल एम, अगर मैंने ये तीन क्वांटम नंबर लिए हैं तो ये एक स्टेट, यानी ये एक स्टेट यानी एन एल एम एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो कुल मिला के ये तीन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हर एक स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट पॉसिबल है, तो हर एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे? एक अप स्टेट अप स्पिन में, एक डाउन स्पिन में, यानी हर एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी मैं कहूं एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो, इस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहोगे टू इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी हर एक क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट मीन्स दिस इज कॉल्ड क्वांटम स्टेट, तो हर एक क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, मिटा दो। और वो क्वांटम स्टेट एक्चुअल में एन एल एम का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो अब देखने की कोशिश करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मिटा दो इसको, पूरा मिटा रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एटम के अंदर। अब हम अप्लाई करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, जितने भी ये रिजल्ट आ रही उसको। चलो पहले समझते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के n इक्वल टू वन को हम कहते हैं के सेल। अभी मैंने बताया था n इक्वल टू टू को हम कहते हैं के एल सेल। ठीक है, के बाद एल सेल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था n इक्वल टू वन टू थ्री फोर, तो ये क्या दिखाता है एल सेल को, के सेल को, ये एल सेल को, ये एम सेल को, ये एन सेल को, ऐसे ही आगे बढ़ा सकते। तो मैं पूछूंगी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो के सेल में नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट निकाल ले। तो यानी एन इक्वल टू वन के लिए रूल लिख देता हूं यहां पे। देखो एन क्या होगा, वन टू थ्री ये हो सकता है, एल की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो वन टू थ्री, कितनी हो सकती है एन माइनस वन तक हो सकती है। तो n इक्वल टू वन के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन यानी l की वैल्यू जीरो, अरे इससे कम ही होनी चाहिए ना, तो इससे कम क्या है जीरो ही तो है, तो इसलिए l की वैल्यू जीरो। अब m कैसा हो सकता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस l तक, यानी l जो m की वैल्यू है वो l से कम या उसके बराबर होगी, तो कम तो हो नहीं सकती, बराबर होगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो इस क्वांटम स्टेट में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपको पता है ना, मैंने बोला था एक क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि एक अप स्पिन में रहेगा एक डाउन स्पिन में रहेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम आपको मैंने बताया कि एल, जैसे मैंने इनका नाम दिया वैसे ही हम इसके भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। जो L के नाम है जीरो वन टू थ्री फोर, तो इसके नाम होते हैं, इसको हम स्मॉल s से दिखाते हैं, इस वन को हम p से दिखाते हैं,
इस टू को हम एस पी डी से दिखाते हैं और इस थ्री को हम एफ से दिखाते हैं, इस फोर को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो क्या मैं इस क्वांटम नंबर में जो ये एल जीरो है क्या मैं एस से दिखा सकता हूँ, स्मॉल एस से? अच्छा, इस स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मैं एस के ऊपर टू ये दिखा रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वन है ये जो ऑर्बिट है इसे हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल है किस सेल का है, फर्स्ट सेल का है, तो ये हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वांटम नंबर में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी वन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एन इक्वल टू वन सेल का है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है ये एल इक्वल टू जीरो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, और ये टू मतलब इस स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, होने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और ना होने के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये ऐसे भी रह सकता है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो रह सकते हैं। समझ में आ गया? चलो एन इक्वल टू टू यानी मैं कहूं कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस सेल में हमें ये पता चला कि दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल लें, तो n इक्वल टू टू के लिए l की वैल्यू क्या होगी? देखो l की वैल्यू n के बराबर से n से कम हो सकती है, तो n से कम क्या हो सकती है, जीरो और वन हो सकती है। अच्छा, अब यहां पे दो स्टेट है, तो दो स्टेट l जीरो के लिए, l जीरो के लिए n की वैल्यू जीरो होगी, अभी मैंने बताया था l के लिए m की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन l इक्वल टू वन के लिए m की तीन वैल्यू पॉसिबल है, क्या हो सकती है, जीरो प्लस वन और एक माइनस वन। तो कितनी स्टेट हो गई, n इक्वल टू टू के लिए हमारे पास ओवरऑल कितनी स्टेट हो गई, n टू, यानी हमारे पास देखो n इक्वल टू टू, l इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू जीरो, एक स्टेट n इक्वल टू टू, l इक्वल टू वन, m इक्वल टू जीरो, दूसरी स्टेट ये l इक्वल टू वन, m इक्वल टू प्लस वन, सेम l इक्वल टू वन, m इक्वल टू माइनस वन। देखो ये सेट यूनिक है, कोई कॉपी नहीं हो रहा है, देखो सब एक एक क्वांटम नंबर से अलग है, जैसे यहाँ पे दो क्वांटम नंबर सेम है लेकिन तीसरा क्वांटम नंबर तो अलग है, यहाँ पे भी दो क्वांटम नंबर सेम है लेकिन तीसरा तो अलग है, यहाँ पे भी दो क्वांटम नंबर सेम है लेकिन तीसरा तो अलग है, यानी सारे क्वांटम नंबर अलग है, यानी अलग अलग वेव फंक्शन हमें मिलेंगे। तो कितने वेव फंक्शन मिलेंगे, चार वेव फंक्शन मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चार वेव फंक्शन फोर स्टेट को दिखा रहे हैं। अब मैंने बोला एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो, अभी मैंने बोला ना एक क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो चार क्वांटम स्टेट में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू टू यानी 8 इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल है। तो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वांटम स्टेट का नाम हम क्या दे सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट सेल का, तो ये किस सेल का है, सेकंड सेल का, एल इक्वल टू जीरो यानी एस ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा इस L इक्वल टू वन के लिए हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, वो क्या होता है, टू यानी सेकंड सेल का, P यानी P ऑर्बिटल, क्योंकि L तीनों में वन है, और इस ऑर्बिटल में, इस तीनों ही L में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो देखो हर एक में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन तीन स्टेट में हर एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेट है, ये एक सेट ये इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन तीनों ही सेट को मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं कहूं इंडिविजुअली मुझे हर एक सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, कैसे, देखो एस ऑर्बिटल को हम सिंपल एक बॉक्स पे बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को एक को अप एक को डाउन स्पिन से दिखाते हैं, इसको तो हमने दिखा दिया, क्या हम इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, मिटा दो इसको। तो देखो
इस 2s को कैसे दिखाएंगे? जैसे 1s को दिखाया तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस p को कैसे दिखाएंगे? एक्चुअल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लगता है। मैंने बोला एक बॉक्स क्या दिखाता है, 1 स्टेट, तो यहां पे मेरे पास कितनी स्टेट है, 3, 1, 2, 3। तो यानी जो हमारा p का ऑर्बिटल है वो 3 बॉक्स का एक सेट है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने अटक सकते हैं, हर एक बॉक्स में 2 यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन अटक सकते हैं। तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये दिखा दिया कि कैसे हर ऑर्बिट में, यानी एन इक्वल टू 2 लेवल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो एन इक्वल टू, ये पूरे सेट किसके हैं, एन इक्वल टू 2 के हैं, ये चार सेट कितने हैं, किसके हैं, एन इक्वल टू 2 क्वांटम नंबर के हैं। इसका मतलब जो हमारा एन इक्वल टू 2 सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आप मुझे बताओगे, आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको मिटा दो, आपका होमवर्क है कि n इक्वल टू 3 में आपको बताना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आपका आंसर है बता दो, चलो खुद बताना, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, आप इसके कितने सेट आएंगे, ऐसा आएगा इसका जो रिजल्ट है, जैसे इसका n इक्वल टू 2 के क्या रिजल्ट आए, ये 2 रिजल्ट आए, n इक्वल टू 3 के हमारे रिजल्ट आएंगे 3s 3p और 3d, ठीक है। d इसलिए बोल रहा हूं कि n इक्वल टू 2 जब 3 होगा तो हमारा l की वैल्यू 0 1 2 तक आ सकती है। तो d ऑर्बिटल किसके लिए आया है, l इक्वल टू 2 क्वांटम नंबर। अब आप मुझे बताओगे कि इस n इक्वल टू 3 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, मिटा दो, चलो ठीक है मैं मिटा दूं। तो ये तो सेल और ऑर्बिटल की कहानी करी, चलो अब देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर निकालने के लिए, अभी तक हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको अप्लाई करेंगे, अब हम इसको अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं के एल एम, ठीक है, ठीक। तो अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो के में 2 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था, अभी बताया था के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के सेल में। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आएगा तो किसमें आएगा, के सेल में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1s1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1s2, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एल सेल में जाएगा। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं 1s2 2s1 से। अच्छा, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, तो सिंबल क्या होता है Be, तो इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे जाएंगे, के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन एल सेल में हमारे 2 से ज्यादा आ सकते हैं, तो 4 ही है तो 2 इसमें चलेगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। अच्छा, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, फिफ्थ में बोरोन, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने बोला था ना एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन भी एल सेल में ही आएगा। बट ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में जाएगा, 1s2 2s2, तो s ऑर्बिटल सेकेंड सेल का s ऑर्बिटल फुल हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2p1 में जाएगा, सेकेंड सेल के p ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल पूरा फुल हो चुका है, क्योंकि s ऑर्बिटल में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
ठीक है, मैं ऑर्बिटल का बता देता हूँ कैसा होता है। एस का एक बॉक्स होता है, पी के तीन बॉक्स होते हैं, तो हर एक बॉक्स में दो आएंगे, और डी में कितने बॉक्स होते हैं, पांच बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो पांच होगी दस हो गए, और फिर एफ में कितने होते हैं, सात बॉक्स होते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सात बॉक्स होते हैं, सेवन टू कितना हो जाएगा, फोर्टीन, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो इसी तरह से आते हैं, एक और दिखा देते हैं हम कार्बन, बेरिलियम बोरॉन कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो फर्स्ट सेल में गए, चार सेकंड सेल में गए, तो फर्स्ट दो तो फर्स्ट एस ऑर्बिटल में आ गए, और सेकंड दो सेकंड एस ऑर्बिटल में आ गए, लेकिन बाकी बचे दो वो पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी कार्बन के बाद हम क्या लेंगे, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो टू फाइव, तो वो कैसे जाएंगे, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री। ऐसे ऑक्सीजन के पास आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टू सिक्स, तो क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फोर। फिर ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या करना है, ऐसे ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास नाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टू और ये हो जाएगा सेवन, तो ये हो जाएगा वन एस टू, टू एस टू, टू पी फाइव। ठीक है, मैं एक्चुअल में एन सेल तक जाना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके बाद ये सब मिटा दू, आई होप आपने नोट कर लिया हो, नहीं नोट किया तो बैक कर लेना वीडियो। ठीक है, अच्छा, फ्लोरीन के बाद आता है न्यूऑन पे, न्यूऑन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है टू फर्स्ट सेल में, के सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस सेल में आठ इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, अब आठ के आठ फुल हो चुके, तो इसको हम दिखाएंगे वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, फुल हो गए ना, एस में भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम सेल में जाएगा, ठीक है, टू एट। अच्छा, अगला क्या है, सोडियम, तो सोडियम में टू एट जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एम सेल में जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड के एस ऑर्बिटल में, ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन आगे आप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है, यानी क्वांटम थ्योरी ने सिर्फ हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन नहीं किया, उसने सभी एटम के इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि कैसे सभी एटम में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्वांटम थ्योरी की ये बहुत सक्सेसफुल पॉइंट था। इसी वजह से आज की डेट में हम क्वांटम मैकेनिक्स इतनी डिटेल में पढ़ते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी बुक हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सक्सेसफुली ये बताने में एबल रही थी या बता सकी थी कि कैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है, कैसा एटम का स्ट्रक्चर होता है, और कैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ है, किसी भी मेटल का कैसे स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, ये भी क्वांटम थ्योरी बता पाई। इनफैक्ट क्वांटम थ्योरी ने जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे, क्वांटम थ्योरी उन सभी को बता पाई। क्वांटम थ्योरी ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को भी एक्सप्लेन किया, और क्या फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी एक्सप्लेन किया, और जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, इन सबको क्वांटम थ्योरी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इसी वजह से हम आज इस क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हैं और क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम को भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम को भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्वांटम थ्योरी ने फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।